वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको हर क्लास में इसका सामना करना पड़ेगा, सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ जहां तक भी आप मैथ स्टडी करते हैं। तो बेटा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। आज मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। सिर्फ दो तीन फॉर्मूले याद कर लेने से हमारे को मैथ्स की नॉलेज नहीं हो जाती है। तो आइए देखते हैं है क्या पेरीमीटर, है क्या एरिया। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताएं, मान लो ये एक प्लेग्राउंड है, ठीक है। आप और आपके जो फिजिकल एजुकेशन के जो सर हैं, जो पीटी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बेटा इसके अराउंड आपको भागना है। आपने भागना शुरू किया यहाँ से, पहले आप यहाँ गए, यू हैव टू रन अराउंड द पार्क, और आप वापिस यहाँ पे पहुंच गए। अब बोले सर मैं तो बहुत थक गया। कह रहे कितना भाग कर आए हो तुम, कितना रनिंग कर ली? तो आपने बताया सर पहले मैं 50 मीटर यहाँ गया, ठीक है। तो आप ये अपना डिस्टेंस बता रहे हो उनको कि भी मैंने इतना इतना रन किया। फिर मैं इस साइड पे गया तो यहाँ पे ये जो पूरी लेंथ थी इट वॉज 70, ठीक है। फिर बोला अच्छा उसके बाद बोला सर ये वाली लेंथ जो है 60 मीटर है, मैंने यहाँ पे भी रनिंग की है। और फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आया, मैंने 30 मीटर का ये डिस्टेंस हो गया, गॉट इट। तो 210 मीटर, ठीक है। यानी आपने उनको बताया कि आई हैव रन अराउंड द पार्क, कितना रनिंग करके आया हूँ, 210 मीटर। बेटा यही पेरीमीटर है, ठीक है। यानी अगर कोई भी बाउंड्री से कनेक्शन होता है किसी भी चीज का, कि बाउंड्री की लेंथ को ही पेरीमीटर कहते हैं, तो पेरीमीटर इज 210 मीटर। अब मान लो कोई फार्मर है, उसको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब जो एक पार्क है उसके कॉर्नर बाउंड्री पे ना वॉल बनानी है ताकि एनिमल्स अंदर ना चले जाएं, ठीक है। तो कितनी लंबी वॉल बनेगी उसके लिए भी आपको पेरीमीटर ही निकालना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको दे दें कि भाई पेरीमीटर निकालो, आपकी खुद की जजमेंट होनी चाहिए कि क्या कोई काम बाउंड्री पे हो रहा है या अंदर हो रहा है। अगर अंदर हो रहा है तो एरिया का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई काम बाउंड्री पे हो रहा है तो वो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है। मान लो बाउंड्री पे टेपिंग करनी है, मान लो आपके कोई पास एक फोटो फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे टेप लगानी है आपने यहाँ यहाँ पे, तो आप शॉपकीपर के पास जाओगे तो बताओगे ना कि मेरे को इतने मीटर टेप चाहिए, इतने मीटर कलर टेप चाहिए। वो बोलेगा कितने मीटर चाहिए, तो आप बोलोगे टू और वन ये हो गया, टू ये हो गया वन, तो वो आप बोलोगे सबको प्लस करके आप बोल दोगे सर इतने मीटर की टेप दे दो मुझे, गॉट इट। तो आपको लेंथ का कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर है। तो पेरीमीटर का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। आइए अब पेरीमीटर को हम एक पर्टिकुलर शेप्स में स्टडी करते हैं। देखो स्क्वायर भी कुछ ऐसा ही है फोर साइड्स का, लेकिन इसका एक पैटर्न होता है कि चारों साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए। जैसे इधर तो एक 30 ली, एक 50, एक 70, एक 60, ऐसी फिगर का कोई भी फॉर्मूला रेडी नहीं होता। आपको सारी साइड्स को प्लस कर देना है और आपको पेरीमीटर मिला करेगा। लेकिन अगर फिगर प्रॉपर बन जाए, अच्छी फिगर बन जाए, मीन्स कुछ ना कुछ पैटर्न हो। जैसे इसका क्या पैटर्न है कि अगर इसकी एक साइड अगर 40 है ना, तो ये दूसरी भी 40 होगी, तीसरी भी 40 होगी और चौथी भी 40 होगी। यानी स्क्वायर की एक खासियत होती है इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी एक बच्चा इस साइड में 40 मीटर रन करेगा ना, तो इधर भी 40 मीटर रन करेगा। उसको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नहीं होंगी उसके पास। एक और एक दूसरी पहचान इसकी होती है 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। एंगल से कुछ बच्चे थोड़ा अवेयर नहीं होते, तो सीधी सी बात बताऊं, ये जो टेडी फिगर होती है इनके ये अगर एंगल होते हैं ये 90 नहीं होता। 90 का मतलब होता है जैसे ये आपका फ्लोर है, ये आपके घर की दीवार है, दीवार हमेशा सीधी खड़ी होती है, यहां से टेढ़ी खड़ी होती है, तो सीधी खड़ी हुई फिगर होनी चाहिए। ये देखो सीधी है बिल्कुल एकदम, दिस इज द फ्लोर, दिस इज द वॉल, क्लियर। तो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है? पेरीमीटर तो यही कहता है कि चारों साइड को प्लस करो। जैसे इधर भी चारों साइड को प्लस करके लाए हो आप, तो मैंने क्या किया, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड कर दिया, गॉट इट। तो मैंने चारों साइड्स को प्लस कर दिया क्योंकि सब सारी इक्वल है। तो चार साइड प्लस करने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 साइड्स हो गई ना, गॉट इट। तो मैंने क्या लिख दिया, साइड प्लस साइड प्लस साइड की जगह मैंने 4 साइड लिख दिया। यही आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है जो आप रटते रहते हो, हमेशा रटते रहते हो, कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि 4 × साइड ही क्यों होता है, क्योंकि चारों साइड्स को प्लस किया है। अब सीधी सी बात सुनो, मान लो 3 + 3 + 3 चारों को ऐड करना हो, तो इसको ऐसे भी तो किया जा सकता है 4 × 3, तब भी 12 आना है, और ऐड करोगे तब भी 12 आना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हम इसलिए रेडी करते हैं ताकि हमारे को इतना ज्यादा ना लिखना पड़े हर बार, एक प्रॉपर पैटर्न बन जाए। अब आप देखो इसका पेरीमीटर अगर कोई बच्चा ऐसे निकालता है, साइड 40 है ना इसकी, 40 मीटर ली है ना ये लेंथ, तो 40 + 40 + 40 + 40, तो ऐसे निकालेगा तब भी उसका आंसर आएगा, गॉट इट। लेकिन अगर उसको फॉर्मूला रेडी है दिमाग में, तो 4 × साइड की वैल्यू रखेगा,
ठीक है, साइड की कितनी वैल्यू है 40, तो तब मल्टीप्लाई करेगा तो तब भी उसका आंसर 160 आने वाला। तो फॉर्मूलेस लर्न करना मींस अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। तो 160 कितनी लेंथ हो गई, मीटर। भाई मैं 160 मीटर रनिंग करके आया हूं, यहां गया था, यहां गया था, गॉट इट। अब देखो एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, इसमें बोला फाइंड साइड, इसमें तो आपको पेरीमीटर निकालना था, साइड गिवन थी, इसमें बोल रहे साइड निकालो, पेरीमीटर आपको 24 मीटर दे रहे हैं। अब कई बच्चे सोचेंगे अच्छा साइड निकालनी है तो साइड का फॉर्मूला, नहीं बेटा, पेरीमीटर आ गया तो एक ही फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखो, कैसे यूज कैसे करना है ये टेक्निक सीखो आप, गोल्डन रूल बताने लगा हूं आपको। पेरीमीटर इक्वल टू 24 मीटर, सबसे पहले ये नोट डाउन कर दो, क्लियर। पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दो ध्यान से, क्या होता है 4 इंटू साइड, अभी तो करके आए हो आप, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 24, और साइड की जब वैल्यू निकालनी हो, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 और साइड के बीच में, तो साइड को यहां अकेला छोड़ दो और इस 4 को नीचे ले जाओ, 24 के नीचे, यानी डिवाइड कर दो, 24 को 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर 6 मीटर। अब इधर कोई बच्चे को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 4, तो ऐसे बच्चे ज्यादा फॉर्मूले लर्न करने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूला पेरीमीटर आया तो फॉर्मूला तो एक ही लगना है, बस हाउ टू यूज जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इसको यूज करना सीखो, गॉट इट। आओ बेटा आपको रेक्टेंगल में इसी चीज को समझाते हैं। हाँ बेटा, एक सेकेंड टाइप की और फिगर होती है, इस फिगर का नाम हमने नाम रखा हुआ है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये नेम होते हैं बेटा, ठीक है। ये रेक्टेंगल, इसकी क्या खास पहचान होती है, इसकी चारों साइड तो इक्वल नहीं होती, लेकिन हाँ ये हमें गारंटी होती है कि सामने सामने वाली इक्वल होंगी, यानी ये जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ ये भी होगी, ठीक है। तो यानी अगर मान लो ये आपकी 10 मीटर है तो गारंटी है इस बात की कि सामने वाली भी 10 होगी, तभी हम फिगर को रेक्टेंगल कहेंगे, नहीं तो हम कहेंगे ही नहीं रेक्टेंगल उसे। मान लो कोई, अगर मान लो ऐसी फिगर है, ये 10 है और ये 8 है, तो इस फिगर को मैं रेक्टेंगल कहूंगा ही नहीं, तो रेक्टेंगल की आइडेंटिफिकेशन है। ब्रेथ मान लो ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगी तभी मैं इसको ब्रेथ मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। और तीसरी पहचान क्या होती है, ये फिगर भी वैसे ही होनी चाहिए कि 90 डिग्री वाली, जो भी मैंने आपको बताया, ये आपके फ्लोर यानी जमीन आपके घर की, ये दीवार बिल्कुल सीधी सीधी खड़ी होती है ना, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे एंगल बनाती है वो, ठीक है। अब पेरीमीटर इसका भी निकालने का कॉन्सेप्ट तो वही है, प्लस करना शुरू करो, लेंथ प्लस करो, फिर ये वाली लेंथ को भी प्लस कर लो, फिर ये वाली ब्रेथ को और ये वाली ब्रेथ को, चारों को प्लस कर लो, क्योंकि पेरीमीटर कॉन्सेप्ट ही यही है, साइड्स को प्लस कर देना, बस कुछ नहीं, फॉर्मूले इन्हीं से ही बने हैं। लेंथ कितनी बार ली है आपने, प्लस किया टू लेंथ, यानी दो बार लिया तो मैंने टू लेंथ लिख दिया, ब्रेथ भी टू टाइम्स ले लिया आपने तो टू ब्रेथ लिख दिया। अब जो चीज दोनों नंबर के पास, देखो ये प्लस है बीच में, अब ये दो नंबर आपको नजर आ रहे हैं, गॉट इट, टू लेंथ प्लस टू ब्रेथ, इसमें से टू दोनों के पास है, इस वाले पोर्शन में भी है इस वाले में भी है, तो जो भी चीज दोनों के पास होती है उसे कहते हैं कॉमन, तो कॉमन हमने ले लिया बाहर। अंदर क्या बचता है, इधर बचती है लेंथ, इधर बचती है, क्योंकि टू तो बाहर जा चुके हैं, इसके बाद लेंथ बच गया, इधर टू बाहर जा चुका है ब्रेथ, तो फॉर्मूला रेडी क्या हो गया, टू लेंथ पूरा नहीं लिखा मैंने, एल लिख दिया, ठीक है, ब्रेथ पूरा नहीं लिखा बी लिख दिया। तो बच्चे इनको रटने में इतने परेशान हो जाते हैं, सीधी सी बात है ना भाई, टू टाइम्स लेंथ लेनी है और टू टाइम्स ब्रेथ होनी चाहिए, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, दो बार लेंथ है दो बार ब्रेथ है, दैट्स इट, ऐसे याद करो। अब आप देखो, अब आपको अगर मान लो इसी फिगर के अंदर आपको पेरीमीटर निकालना है, या तो आप इस तरीके से निकाल लो, लेंथ कितनी है 10, फिर लेंथ कितनी है 10, फिर ब्रेथ कितनी है 5, फिर ब्रेथ कितनी है 5, आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, चारों साइड दी हुई है तब भी आप प्लस करके निकाल सकते हो, ठीक है, ये दिस इज 30 मीटर, गॉट इट। लेकिन अगर आप फॉर्मूले यूज करो तो दैट्स सुपर, आपको याद भी हो जाएंगे फॉर्मूले, और अप्लाई करने में कई बार हमें ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, इसलिए कैसे डिराइव हुआ ये समझाया मैंने आपको, ताकि आप लॉजिक ढूंढ सको इसके बारे में। टू, ठीक है, ब्रैकेट लेंथ की वैल्यू रखो, लेंथ कितनी है 10, फिर प्लस रखो, फिर ब्रेथ की वैल्यू रखो 5, यानी मैं फॉर्मूले से भी निकाल के आपको दिखा रहा हूं कैसे होगा, 2 10 प्लस 5 कितना हुआ 15, गॉट इट। फिर आगे क्या आएगा इसका आंसर, 2 और ये 2 के बाद सीधा ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 215 था 30, गॉट इट, 30 मीटर। देखो आपने वैसे ऐड किया हर एक साइड को 1 बाय 1 लेके,
तब भी 30, और जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तब भी 30, यानी फॉर्मूले इन्हीं से ही बने हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले बना लेते हैं, फॉर्मूले उन्हीं फिगर के बन पाते हैं जिनका कोई पैटर्न, जैसे इसमें देखा आपने लेंथ इक्वल है, ब्रेथ इक्वल, तो कोई पैटर्न है ना, फिगर प्रॉपर है ना। अब आप देखो, मान लो पेरीमीटर आपको, इसमें भी एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, मान लो ब्रेथ निकालनी है, पेरीमीटर आपको दिया है, लेंथ भी दी हुई है। अब आप बोलोगे अच्छा ब्रेथ निकालनी है तो ब्रेथ का फॉर्मूला, अरे भाई नहीं, फॉर्मूला एक ही है पेरीमीटर, उसको यूज करने का तरीका सीखो। क्या करोगे, सीधा उस पेरीमीटर को जो भी दिया है उसको लिखो, पेरीमीटर के ठीक नीचे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना सीखो, 2l + b जो कि मैंने लिखा इज इक्वल टू 48। क्लियर हुआ, 2 ब्रैकेट में l कितना है, इन्होंने लेंथ दी हुई है आपको 12, प्लस बी आपको निकालना है, गॉट इट, 48। ध्यान से सुने, अब ये वाला जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के, तो इस ब्रैकेट को आप यहां पे होल्ड करवा लो भाई, 12 प्लस बी, 2 तो कहीं नहीं जाने वाला, इस 2 को हम वहां भेजेंगे डिवीजन में, जब भी यहां कोई चीज प्रोडक्ट में होती है मल्टीप्लाई में, वहां दूसरी तरफ डिवाइड हो जाती है, गॉट इट। अब ये कितना हो गया 24, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन यहां पर अभी 12 प्लस बी है, अब हमें तो बी निकालना है ना, बी फॉर ब्रेथ, तो हम बी को बोलेंगे भाई तू यहां रह, ये जो 12 है इसको वहां फॉरन भेज दे, 24 वहां पे है इक्वल के उस साइड पे, राइट साइड पे, 12 को भी वहां भेज दो, तो कितना हो गया 12, गॉट इट। तो बेटा अब आप ये सुनिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l + b, अगर कोई ये सोचता है इससे सिर्फ पेरीमीटर निकाला जा सकता है तो गलत बात है, इससे आपकी लेंथ भी निकाली जा सकती है, कब, जब पेरीमीटर और ब्रेथ दोनों पता हो, गॉट इट। आपकी ब्रेथ भी निकाली जा सकती है रेक्टेंगल की जब पेरीमीटर और लेंथ दोनों, यानी तीन चीजें हैं इसके अंदर, कोई भी दो दे दो तीसरी ले लो आराम से, जैसे मैंने देखो लेंथ ब्रेथ दी, पेरीमीटर निकाल के दिखा दिया आपको, एक क्वेश्चन में ब्रेथ निकाल के दिखा दी, पेरीमीटर और लेंथ दी हुई थी, मतलब जब तक दो चीजें नहीं दी होंगी तब तक तीसरा नहीं निकलेगा, क्योंकि तीन वेरिएबल है इसके अंदर, ठीक है। आओ बेटा अब एरिया का कॉन्सेप्ट स्टडी करें। बेटा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर दो, कनेक्ट रहो, आपके हर एक पॉइंट तक मैं पहुंचूंगा, आपको हर एक चीज करवाऊंगा, और बहुत सारी वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूं। बेटा मैथ्स को अच्छा करने के लिए आपको वो बेसिक नॉलेज की जरूरत होनी होगी, इसलिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, डेली एक वीडियो लिस्ट में से देख लिया करो, आपका मैथ्स धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो अगर आप चाहते हो आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाए तो। आओ बेटा अब एरिया देखो, बेटा एरिया क्या होता है, एरिया का बाउंड्री से कोई कनेक्शन नहीं होता, जैसे आपने पेरीमीटर का सीखा, एरिया का कनेक्शन अंदर होता है, यानी अंदर कुछ काम होना है। मान लो आपका ये ग्राउंड है, आपने आपके रूम का ग्राउंड है, टाइल्स लगवानी है, टाइल्स ऐसे लगाओगे ना, अब टाइल्स क्या बाउंड्री पे लगनी है, नो, पूरे फ्लोर पे लगनी है, तो टाइल वर्क जब भी करना हो आपको, मान लो आपके पापा बोलते हैं टाइल वाले से पूछ क्या कितने पैसे लेगा, तो पहले पता है टाइल वाला क्या पूछेगा, भैया कितना एरिया में टाइल लगानी है, कितने एरिया में, तो आप उसको बताओगे भाई इतना एरिया है। एरिया कैसे बताया जाएगा, मान लो आपके ये स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड कितनी है 10 मीटर, साइड मैंने आपको बताया स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा भैया कितने एरिया में लगानी है, तो आप बोलोगे भाई उसकी जो लेंथ है ना, यानी जो साइड है, एक 10 है और दूसरी भी 10 है, यानी ये और एक ये वर्टिकल, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से ही एरिया निकल आता है अगर ये 90 डिग्री का एंगल हो तो। क्लियर है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइड मल्टीप्लाई साइड, जिसको हम दो बार जब साइड मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई और साइड को साइड से मल्टीप्लाई, तो साइड का स्क्वायर बन जाता है, पावर प्लस हो जाती है ना, आपको एक्सपोनेंट के अगर रूल पता हो तो 1 + 1 = 2, ठीक है, 10 × 10 = 100, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, साइड इनटू साइड। क्लियर, अब सुनो ध्यान से, अगर आपको टाइल वर्क करना हो तब भी आपको एरिया का, पेंट कहां करोगे, पेंट क्या बाउंड्री में किया जाता है, मान लो ये वॉल है, वॉल के अंदर ही पेंट करोगे ना सारा, तो पेंट वर्क के लिए भी एरिया चाहिए। ग्रास लगानी है, मान लो ये किसी गार्डनर का, ठीक है, यहां पे ग्रासिंग करनी है उसने, ठीक है, तो ग्रासिंग क्या बाउंड्री पे होनी है, नहीं अंदर होनी है, तो बेटा जो भी काम अंदर होना है उसका एरिया से कनेक्शन होता है, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है बोला जाए कि एरिया दे रहे हैं हम आपको। अब देखो इसके अंदर फाइंड साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड निकालनी है,
एरिया दे दिया। अब बच्चे बोलेंगे अच्छा साइड का फॉर्मूला होता होगा, वो नहीं आता मुझे। अरे भाई एरिया दिया है, एरिया का तो आता है, एरिया को यूज करो। कैसे? एरिया लिख लो, एरिया के ठीक नीचे एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी रेडी करके आए हो आप, ठीक है, इज इक्वल टू 49। अब 49 को क्या लिखा जा सकता है? 7 × 7 लिखा जा सकता है। अब मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि 7 × 7 7 का स्क्वायर बन जाएगा। जब लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो राइट में भी स्क्वायर ही लाना जरूरी है, तो 49 की जगह हम 7 स्क्वायर लिख देते हैं। गॉट इट? क्लियर? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो नीचे वैल्यू बची साइड, उसकी वैल्यू हो गई 7। क्लियर हो गया? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब भी एरिया होगा ना, एरिया की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में आया करेगी। जैसे 10 मीटर अगर लेंथ है तो आंसर मेरा 100 मीटर स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना है। यानी ऊपर छोटा सा क्यों स्क्वायर लग रहा है? क्योंकि आप एक डायमेंशंस को 2 times मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइड साइड 2 बारी किया, इसलिए हमेशा आंसर में भी स्क्वायर लगेगा। गॉट इट? और रेक्टेंगल का जल्दी कर लें, एरिया निकालना है। ये लेंथ दी हुई है मान लो 10, ब्रेथ दे रखी है 5। क्लियर? तो क्या करना है, ये वाली लेंथ जैसे इधर भी किया था ना, ये मल्टीप्लाई ये तो दोनों सेम थी इसलिए साइड इंटू साइड ले लिया। इधर इस वाली को लेंथ कहते हैं, इस वाली को ब्रेथ कहते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया में मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एल प्लस बी, कभी पेरीमीटर को यहां पे ले आते हैं, तो ध्यान रखो बेटा थोड़ा सा। लेंथ लिया यहां पे 10 और ब्रेथ कितनी हो गई 5, 10 × 5 = 50। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर हो मान लो, तो आंसर मेरा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया का कॉन्सेप्ट हो तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दी होगी उसके ऊपर स्क्वायर लगाना जरूरी है। ध्यान रख लेना इस बात को, नंबर कटेंगे एग्जाम में। फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब आप ये देखो, इसके अंदर इन्होंने बोला लेंथ निकालो, हम आपको क्या दे रहे हैं? एरिया भी दे रहे हैं, ब्रेथ भी दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे लेंथ वाला फॉर्मूला होना चाहिए तभी तो मैं लगाऊंगा। नहीं, फॉर्मूला एक ही है एरिया का, बस यूज करना सीखो। एरिया इज इक्वल टू दिस, एरिया के ठीक नीचे एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला इज इक्वल टू 48। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ तो भाई पूछी हुई है, लेंथ को लेंथ रहने दो। ब्रेथ कितनी दे रखी है? 12, 12 की 12 वैल्यू रखो, 48 वैल्यूज रखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो एल को यहां अकेला छोड़ो, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या बताया था? दूसरी तरफ नीचे जाएगा, चला गया ये डिविजन में 48 के नीचे, 12 × 4 था। क्या आंसर आया? 4 मीटर। अब इसमें हम स्क्वायर मत लगा देना, ये लेंथ निकाली है हमने, एरिया थोड़ा ना निकाला है। गॉट इट? तो आई होप बेटा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो बेटा मैथ्स अगर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो ना बेटे, अपने बेसिक्स ठीक करने पड़ेंगे। डोंट थिंक कि सिर्फ एक एनसीईआरटी की या एक्स्ट्रा बुक्स में से बस प्रैक्टिस करते जाए। बेसिक्स आपके जो, अगर आप 9th में हो तो आपका 8th तक का कंटेंट कितना स्ट्रांग है वो आपका मैथ्स डिसाइड करेगा। और ये मैं सारे, मेरे बेटे डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियोज हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और करेंगे बहुत। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ऑन वर्किंग हार्ड।